नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पवन है। आपका स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म में और आज हम पढ़ेंगे फंक्शन में इसके टाइप्स के बारे में। तो अभी तक हमने पढ़ा रेशनल फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन एंड सो ऑन अदर फंक्शन के बारे में। तो इन्हीं के बेसिस पे इन्हें कई टाइप में डिवाइड किया गया है कि यह फंक्शन ऑन टू होंगे कि इन टू होंगे कि वन वन होंगे या फिर यहाँ पे मेनी वन होंगे। तो इन्हीं के आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे कि कितने टाइप के फंक्शन होते हैं। तो हमें पढ़ना है यहाँ पे टाइप्स ऑफ फंक्शंस। फर्स्ट है आच्छादक फलन, मीन्स ऑन टू, और सर्जेक्टिव फंक्शन भी इसे हम कहते हैं। तो ये ऑन, हमें पढ़ना है ऑन टू एंड एन टू और सर्जेक्टिव फंक्शन। तो इसे हम आच्छादक फलन भी कहते हैं। तो यदि कोई फंक्शन इस प्रकार से डिफाइंड है कि एफ सेज दैट ए टू बी, ठीक, तो बी तो को डोमेन हो गया और ए डोमेन होता है फंक्शन एफ का। तो एफ फंक्शन ऑन टू होगा या फिर सर्जेक्टिव होगा यदि बी के, मीन्स को डोमेन के हर एक एलिमेंट, को डोमेन में जितने भी एलिमेंट होंगे वो ए के किसी ना किसी एलिमेंट के इमेज होंगे। मीन्स यदि फंक्शन ए के किसी एलिमेंट में हम अप्लाई करते हैं तो बी का अगर जो भी एलिमेंट वो देता है उसे हम उसका इमेज कहते हैं। तो यहां पे जो फंक्शन ए के, मीन्स फंक्शन बी के जितने भी एलिमेंट होंगे ए के एलिमेंट के, ए के किसी न किसी एलिमेंट के इमेज होंगे, बी के सभी एलिमेंट। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो ए यहाँ पे बी, इसका जो कोडोमेन है वो इसके रेंज के इक्वल हो जाएगा। मीन्स एफ के जितने इमेज होते हैं उनके इमेजों को हम रेंज कहते हैं, इमेज के कलेक्शन को हम रेंज कहते हैं। तो जो इसका परिसर होगा एफ का वो इसके स डोमेन के बराबर हो जाएगा। तो यहां से हम कह सकते हैं रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ एफ। तो इसका जो परिसर है वो इसके स प्रांत के इक्वल हो जाएगा। या फिर दूसरे लैंग्वेज में कहें कि यदि हम कोई दो एलिमेंट लेते हैं, ठीक, ए है ए का एलिमेंट और बी है बी का एलिमेंट, तो इस प्रकार से होगा। मींस ये फंक्शन, अगर इसमें हम फंक्शन अप्लाई करते हैं तो ये इस प्रकार से होगा कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू बी, सभी बी के लिए जो कि बिलोंग करते हैं बी में। मींस यहां पे जो बी होगा, अब बी के किसी भी अवयव को हमने बी माना हुआ है, तो सभी एलिमेंट एक एक किसी न किसी एलिमेंट के इमेज होंगे। तो इस प्रकार के फंक्शन को हम ऑन टू फंक्शन और सर्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। अगर ग्राफ द्वारा हम समझे तो डायग्राम द्वारा, तो इस प्रकार से हम इसको बनाएंगे। मान लीजिए ये सेट ऑफ ए है और ये सेट बी है, इसके एलिमेंट एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर एक्स फाइव है, ठीक, और इसके एलिमेंट वाई वन वाई टू वाई थ्री वाई फोर है, ठीक। अब यहां पे एक्स वन का इमेज एक्स वाई टू है, एक्स टू का इमेज वाई वन है, ठीक, एक्स थ्री का इमेज वाई थ्री है, x4 का इमेज y4 है और x5 का इमेज y3 है। तो इस प्रकार से यहां पे देखिए b के जितने भी एलिमेंट है a के किसी न किसी एलिमेंट के इमेज है। तो इस प्रकार के फंक्शन को ऑनटू फंक्शन और सर्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है इनटू फंक्शन, मींस अंतःक्षेपी फलन। तो नेक्स्ट है इनटू फंक्शन अंतःक्षेपी फलन। तो यदि कोई फंक्शन इस प्रकार से डिफाइंड है एफ सेज दैट
ए टू बी, ठीक। तो फंक्शन एफ को हम अंतःक्षेपी कहेंगे इनटू फंक्शन कहेंगे यदि बी का कोई ना कोई एक एलिमेंट ऐसा जरूर होगा जो कि एक एक किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं होगा, तो इस प्रकार के फंक्शन को हम इनटू फंक्शन कहते हैं। मीन्स बी का अगर कोई एक एलिमेंट हम ऐसा हो जाएगा, बी के सभी एलिमेंट है तो उसमें से एक एलिमेंट ऐसा होगा जो कि एक एक किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं है, तो इस प्रकार के फंक्शन को हम इनटू फंक्शन कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो एफ का रेंज होगा, इसका जो परिसर होगा, रेंज ऑफ एफ, ये सबसेट होगा कोडोमेन ऑफ एफ का, मीन्स सब प्रांत का। तो इसका एफ का कोडोमेन होगा। तो इस प्रकार के फंक्शन को हम इनटू फंक्शन कहते हैं। मीन्स यहाँ पे जो रेंज है एफ, वो सबसेट है कोडोमेन एफ का। तो यहाँ पे अगर इसको हम ग्राफ द्वारा समझे, डायग्राम द्वारा, तो अगर हम डायग्राम बनाते हैं यहाँ पे कि एक से टेल लें, ठीक, इस सेट ए, और दूसरा सेट हम बी लेते हैं, सेट बी, और इसके एलिमेंट एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री इस प्रकार से हैं, ठीक, और इसके एलिमेंट वाई वन वाई टू वाई थ्री वाई फोर है, ठीक। तो एक्स वन का इमेज अगर वाई टू है, एक्स टू का इमेज वाई थ्री है, एक्स थ्री का इमेज वाई वन है। तो यहाँ पे वाई फोर एक ऐसा एलिमेंट है जो कि एक किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं है, तो इस प्रकार के फंक्शन को हम इनटू फंक्शन कहते हैं। तो अगर हम ये कह दें कि कोई फंक्शन दिया हुआ है, ठीक, कोई फंक्शन अगर देगा तो y इज इक्वल टू एफ एक्स के टर्म में देगा, मीन्स y की वैल्यू जो होगी x पे डिपेंड करेगी। तो अगर कोई फंक्शन इस टर्म में दिया हुआ है, ठीक, तो फिर हम अरेंज करके किसी तरीके से अगर फंक्शन को चेंज कर लें इस टर्म में, जी वाई के टर्म में, ठीक। तो यहाँ पे ऑन टू और इनटू फंक्शन चेक करने का तरीका ये है कि अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन दिया हुआ है तो x इज इक्वल टू जी वाई के टर्म में बना दें, ठीक। फिर y के जितने भी वैल्यूज हैं, मीन्स अगर सेट b में y के जितने भी वैल्यू हैं, अगर हम इस प्रकार से लें कि x बिलोंग करता है a में और y बिलोंग करता है b में, तो ठीक। तो अब y के b के जितने भी एलिमेंट होंगे y की जगह पे पुट करके हम चेक करेंगे कि x के x मीन्स x की वैल्यू के इक्वल है या नहीं, मीन्स जितने भी x के एलिमेंट हैं वो a में मौजूद है कि नहीं। a के सभी मानों के लिए जो कि b में बिलोंग करता है, x का मान a में मौजूद है कि नहीं हम चेक करेंगे। अगर x के y के सभी मानों के लिए x का मान a में मौजूद है तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन है, मीन्स आच्छादक फलन है। अगर y के किसी भी एक भी वैल्यू के लिए अगर x का मान a में मौजूद नहीं है तो हम इस केस में कहेंगे कि जो फंक्शन है वो इनटू फंक्शन है, अंतःक्षेपी फलन है। नेक्स्ट फंक्शन है वन वन और इंजेक्टिव फंक्शन, मीन्स एक एक ही अथवा एक एक फलन। तो यहां पे पढ़ना है हमें वन वन और इंजेक्टिव फंक्शन। तो यदि कोई फंक्शन इस प्रकार से डिफाइंड है कि एफ सच दैट ए टू बी, ठीक, तो यहां पे फंक्शन को हम वन वन कहेंगे अथवा इंजेक्टिव फंक्शन कहेंगे यदि ए के अलग अलग एलिमेंट के, ठीक, ए के अगर एलिमेंट है तो वो अलग अलग एलिमेंट के बी के अलग अलग एलिमेंट का इमेज मिलेगा हमें। मीन्स यहां पे अगर हम ग्राफ द्वारा समझे, डायग्राम द्वारा, तो यहां पे अगर हम ए है और ये सेट बी ले लेते हैं, ठीक, तो ए के एलिमेंट ए वन ए टू ए थ्री है और बी के एलिमेंट बी वन बी टू बी थ्री है, ठीक। तो यदि ये फंक्शन अगर इस पर हम फंक्शन अप्लाई करते हैं वन वन होगा
तो A1 का केवल एक ही इमेज मिलेगा B1, means A2 का इमेज B1 और A3 का इमेज B3। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि A के अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग इमेज मिले, मतलब B में जितने भी एलिमेंट होंगे वो अलग अलग इमेज होंगे A के अलग अलग एलिमेंट के। तो इस प्रकार के फंक्शन को हम 1-1 फंक्शन कहते हैं। यहाँ पे देखिए, कहने का मतलब ये है कि अगर फंक्शन यहाँ पे अप्लाई करते थे तो यहाँ पे A3 का एलिमेंट अगर यहाँ पे 1-1 नहीं होता तो A3 का इमेज B2 भी हो सकता था, बट यहाँ पे फंक्शन 1-1 है, मीन्स A1 का इमेज अगर B2 है, A2 का इमेज B1 है, A3 का इमेज B3 है, मीन्स यहाँ पे A1 के जितने भी एलिमेंट हैं इसका इमेज अलग अलग है, सेम नहीं है। तो इस प्रकार के फंक्शन को हम 1-1 और इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। अगर हमको इसको निकालना है तो निकालने के लिए यहाँ पे देखिए दो कंडीशन है कि पहला, यदि हम मान लें कि x1 नॉट इक्वल टू x2, ठीक, मीन्स यहाँ पे अगर A के दो एलिमेंट लेते हैं x1 और x2, ठीक, वो दोनों इक्वल नहीं है, तो अगर हम ये प्रूफ कर दें कि f ऑफ x1 नॉट इक्वल टू f ऑफ x2 तो भी फंक्शन 1-1 होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे x1 x2 इक्वल नहीं है तो फंक्शन fx1 और fx2 भी इक्वल नहीं है, इसका इमेज भी सेम नहीं है। और सेकेंड कंडीशन है 1-1 फंक्शन प्रूफ करने का, जिससे हम करते हैं, अगर इसका इमेज सेम है, ठीक, fx1 इज इक्वल टू fx2 है, ठीक, तो यहाँ पे x1 इज इक्वल टू होगा x2 के। अगर हमें किसी फंक्शन को 1-1 प्रूफ करना होता है तो हम उस फंक्शन को बराबर लेके, यहाँ पे देखिए इक्वल लेके अगर x1 इज इक्वल टू x2 के हो गया तो हम कहेंगे कि फंक्शन, मीन्स इसको सॉल्व करने पे जो फंक्शन दिया होगा वहां पे अगर हम उसको सॉल्व करते हैं तो अगर x1 इज इक्वल टू x2 के हो गया तो हम कहेंगे कि फंक्शन 1-1 फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन है। तो ये फंक्शन हो गया इंजेक्टिव फंक्शन। नेक्स्ट है यहां पे many-1 फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन है many-1 फंक्शन और बहुएक फलन। तो यहां पे नेक्स्ट फंक्शन है many-1 फंक्शन। तो अगर कोई फंक्शन f such to such that a to b इस प्रकार से डिफाइंड है, ठीक, तो f को many-1 फंक्शन कहते हैं। अगर a के किसी भी एलिमेंट का, मीन्स ए के अगर कोई दो एलिमेंट लेते हैं और उसके जो बी में इमेज मिलेगा वो एक ही मिल जाए, तो इस प्रकार के फंक्शन को हम many-1 फंक्शन कहते हैं। मीन्स ए के किसी भी किन्हीं भी एलिमेंट के अगर एक ही इमेज मिल जाए तो इस प्रकार के फंक्शन को हम many-1 फंक्शन कहते हैं। इसी प्रकार से अगर डायग्राम द्वारा हम समझे, यहाँ पे मान लीजिए सेट ए है और ये सेट बी है, ठीक, इसके एलिमेंट A1, A2, A3 हैं और इसके एलिमेंट B1, B2 हैं। तो यहाँ पे A1 का अगर इमेज B2 है, A2 का इमेज B1 है और A3 का इमेज भी B1 है, तो इस प्रकार के फंक्शन को हम many-1 फंक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1-1 फंक्शन और many-1 फंक्शन निकालने का तरीका होता है कि अगर कोई फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स दिया हुआ है, ठीक, और पूछे कि 1-1 फंक्शन है कि many-1 फंक्शन है, तो इजी है कि x की दो वैल्यू के लिए हम यहाँ पे fx1 इज इक्वल टू fx2 रख दें, ठीक, तो ये y में बिलोंग करेंगे fx1 और fx2। तो यहाँ पे अगर x1 इज इक्वल टू हो जाता है x2 के, इसको सॉल्व करने पे अगर x1 इज इक्वल टू हो जाता है x2 के उन सभी x1 x2 के लिए, फॉर एवरी x1 जो कि बिलोंग करता है a में, ठीक, a के एलिमेंट x1 x2 है, तो अगर फंक्शन का जो फंक्शन इमेज है ये fx1 और fx2, ये x1 इज इक्वल टू x2 के इक्वल हो गया, तो इस प्रकार के फंक्शन को हम
वन वन फंक्शन कहते हैं। अगर फंक्शन को हमने इक्वल लिया और x1 और x2 की वैल्यू सेम नहीं हुई तो इस केस में हम कहेंगे कि फंक्शन मेनी वन फंक्शन है। तो ये फंक्शन हो गया यहाँ पे वन वन फंक्शन एंड मेनी वन फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन है वन वन ऑन टू फंक्शन, मीन्स एक है कि आच्छादक फलन, इसे हम बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। तो पढ़ना है हमें यहाँ पे वन वन ऑन टू और बाइजेक्टिव फंक्शन। तो यदि कोई फंक्शन इस प्रकार से डिफाइंड है कि f such that a to b, तो फंक्शन f वन वन ऑन टू होगा यदि ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। पहला कि f वन वन होगा, f वन वन फंक्शन है, तो मीन्स इस प्रकार से है कि यदि f x1 इज इक्वल टू f x2 लेते हैं तो यहाँ पे x1 इज इक्वल टू हो जाएगा x2 के, उन सभी x1 के लिए, x2 के लिए, x1 x2 के लिए जो कि बिलोंग करते हैं a में, फॉर एवरी x1 x2 सभी x के लिए। मीन्स यहाँ पे अगर एक एलिमेंट लेते हैं a का x1, तो उसका केवल एक ही, मतलब कि जो इमेज होगा वो किसी एक ही एलिमेंट का इमेज होगा। और इसी प्रकार से मतलब कि अगर कोई फंक्शन इक्वल है तो जो उसका इन यहाँ पे उसका जो प्री इमेज है वो इक्वल होंगे। तो यहाँ पे एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू है, तो यहाँ पे एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू है, तो इस प्रकार के फंक्शन को हम वन वन फंक्शन कहते हैं, उन सभी एक्स वन एक्स टू के लिए जो कि ए में बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है कि यदि एफ ऑन टू फंक्शन है तो ऑन टू फंक्शन, तो ऑन टू फंक्शन मतलब कि सभी y के लिए जो कि b के एलिमेंट है, और यदि x एलिमेंट है a का, तो इस प्रकार से डिफाइंड है कि f x इज इक्वल टू y, मीन्स y b के जितने भी एलिमेंट हैं वो a के किसी न किसी एलिमेंट के इमेज हैं। तो इस प्रकार के फंक्शन को हम वन वन ऑन टू फंक्शन कहते हैं। तो यहां पे हम फंक्शन को कहते हैं वन वन ऑन टू फंक्शन अगर दोनों कंडीशन एक साथ फॉलो करे तो, मीन्स वन वन भी होगा और ऑन टू भी होगा। नेक्स्ट फंक्शन है वन वन इंटू फंक्शन, तो इसी फंक्शन को हम उसी तरीके से डिफाइंड करेंगे जिस तरह से हमने वन वन ऑन टू फंक्शन को डिफाइंड किया था। मीन्स यदि कोई फंक्शन वन वन इंटू होगा तो उस फंक्शन वन वन होगा और इंटू फंक्शन होगा। तो हमें पढ़ना है वन वन इंटू फंक्शन इंटू फंक्शन, मीन्स एक ही अंतर छिपी फलन। तो अगर कोई फंक्शन f such that a to b इस प्रकार से डिफाइंड है कि फलन f वन वन है, मीन्स यहाँ पे f जो है वो वन वन है, और सेकेंड f जो है ऑन टू फंक्शन है, तो इस प्रकार के फंक्शन को हम वन वन इन टू फंक्शन कहते हैं। अगर इसी प्रकार से नेक्स्ट फंक्शन को हम डिफाइंड कर दें मेनी वन ऑन टू फंक्शन, ठीक, मेनी वन ऑन टू फंक्शन, तो यहां पे अगर फंक्शन दो कंडीशन होगा कि f मेनी वन होगा, मेनी वन फंक्शन होगा, और सेकेंड होगा कि f f ऑन टू फंक्शन होगा। तो अगर ये दोनों फंक्शन इस कंडीशन को फॉलो करने लगे तो हम कहेंगे कि ये मेनी वन ऑन टू फंक्शन है।
अब इसी प्रकार से नेक्स्ट फंक्शन भी हम डिफाइंड कर सकते हैं यहां पे मिनिमम मिनिमम इनटू फंक्शन। ठीक, तो इस प्रकार के फंक्शन को अगर हम फंक्शन एफ है तो उसे मिनिमम इनटू फंक्शन कहेंगे। यदि एफ मिनिमम हो जाए और मिनिमम फंक्शन हो जाए और एफ इनटू फंक्शन हो जाए तो इस प्रकार के फंक्शन को हम मिनिमम इनटू फंक्शन कहते हैं। अब जैसे है कि अगर मान लीजिए हम एक एग्जांपल के तौर पर लेते हैं, ठीक, एक क्लास में उसमें कुछ कुर्सियां हैं, ठीक, और कुछ विद्यार्थी हैं, तो फर्स्ट कंडीशन अगर हम ये लेते हैं कि उस क्लास में जितने विद्यार्थी हैं उतनी ही कुर्सियां हैं, उतने ही चेयर हैं, ठीक, तो अगर हम कंडीशन डाल दें कि हर एक विद्यार्थी केवल एक ही चेयर पर बैठेगा, मींस एक एक विद्यार्थी केवल एक ही चेयर पर बैठेंगे, उस केस में जो वहां पर फंक्शन होगा वहां पे उस फंक्शन को हम वन वन ऑन टू फंक्शन कहते हैं, मींस एक की आच्छादक फलन कहते हैं। अगर हम ये कह दें कि वहां पे कुर्सियों की संख्या अधिक है, ठीक, विद्यार्थियों की संख्या कम है, तो अब वहां पे अगर जितने भी कोशिश कर लें, अगर एक चेयर पे जितने भी बैठ जाएं वहां पे, तो कुछ कुर्सियां खाली ही रहेंगी, तो मतलब इस प्रकार से ये फंक्शन तो इनटू हुआ, अंतःक्षेपी हुआ। तो अगर फंक्शन हम ये कह दें कि एक कुर्सी पे केवल एक ही लड़का, एक ही विद्यार्थी बैठेगा, स्टूडेंट बैठेगा, और वहां पे जो चेयर है वो स्टूडेंट के कंपेरिजन में अधिक है, तो इस प्रकार के फंक्शन को मीन्स इस पर यहाँ पे देखिए कुर्सियां खाली हैं और हर एक चेयर पे केवल एक ही लड़का बैठा हुआ है, मीन्स या इस प्रकार के फंक्शन को हम वन वन इनटू फंक्शन कहते हैं। मीन्स वाई के कई ऐसे एलिमेंट है, चेयर अगर मान लें बी के एलिमेंट है तो यहाँ पे कई ऐसे चेयर हैं जो कि खाली होंगे, उस पर विद्यार्थी नहीं बैठे, मीन्स उसका कुछ कोई उसका जो इमेज है वो किसी भी एलिमेंट का वहां पर नहीं है, तो इस प्रकार हम उस फंक्शन को वन वन इनटू फंक्शन कहते हैं, मीन्स एक की अंतःक्षेपी फलन कहते हैं। अगर हम ये कह दें कि वहां पे स्टूडेंट की संख्या अधिक है, ठीक, और चेयर कम है, तो अब ऐसा तो होगा कि एक दो विद्यार्थी कह लो नहीं चेयर कम है हम निकल जाए क्लास में तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उनको अगर वहां पे बैठना है तो अब एक चेयर पे एक से अधिक लड़के बैठेंगे तो इस तरीके से सारे चेयर फुल हो जाएंगे। ठीक, अब अगर वहां पे सारे चेयर फुल हो गए तो एक चेयर पे अगर स्टूडेंट की संख्या अधिक है तो कुछ भी करेंगे तो एक चेयर पे दो बैठाएंगे या तीन बैठाएंगे इस तरीके से, या फिर चार बैठाएंगे, तो एक चेयर पर एक से अधिक स्टूडेंट बैठे, तो इस प्रकार के फंक्शन को हम मिनिमम ऑन टू फंक्शन कहते हैं, क्योंकि अगर चेयर कम है तो सारे चेयर पे लड़के बैठेंगे और एक से अधिक बैठेंगे, दो बैठेंगे, तीन बैठेंगे, चार बैठेंगे, तो इस प्रकार से बैठेंगे। तो इस प्रकार के फंक्शन को अगर इसे हम फंक्शन के रूप में डिवाइड करें तो इस प्रकार के फंक्शन को हम मिनिमम ऑन टू फंक्शन कहते हैं, मीन्स बहु एक आच्छादक फलन कहते हैं। अगर हम ये कह दें कि विद्यार्थियों की संख्या उतनी है जितने चेयर की संख्या है, पर अगर कुछ लड़के ऐसे हैं जो कि उनको दोस्तों के साथ बैठना हुआ है, मीन्स स्टूडेंट हैं कि नहीं हम तुम्हारे साथ ही बैठेंगे या फिर एक चेयर पे दो या तीन करके बैठ जाते हैं, ठीक, तो यहाँ पे अगर एक चेयर पे दो या तीन से अधिक स्टूडेंट बैठ गए तो कुछ चेयर तो खाली भी रह जाएंगे क्योंकि जितने स्टूडेंट हैं उतने चेयर ही हैं, तो वहां पे कुछ चेयर खाली रह गए और कुछ चेयर पे एक से अधिक लड़के बैठ गए, अपने दोस्तों के साथ है किसी के साथ भी, तो वहां पे एक से अधिक लड़के बैठ गए, तो इस प्रकार के फंक्शन को हम मिनिमम इनटू फंक्शन कहते हैं, मीन्स बहु एक अंतःक्षेपी फलन कहते हैं। तो ये हो गया फलन डिफाइंड यहां पे। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, नेक्स्ट फंक्शन है तत्समक फलन, मीन्स आइडेंटिटी फंक्शन। तो यहां पे पढ़ते हैं हम आइडेंटिटी फंक्शन। तो यदि कोई फंक्शन इस प्रकार से डिफाइंड है कि एफ सच दैट ए टू ए, मीन्स यहां पे ए के जितने भी एलिमेंट होंगे वो खुद ही के इमेज होंगे, तो इस प्रकार के फंक्शन को हम आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। यहां पे अगर हम कह दें कि एक्स
बिलोंग करता है ए में, ठीक। तो अगर हम इसका इमेज लेते हैं f ऑफ x इक्वल हो जाता है x के, तो इस प्रकार के फंक्शन को हम आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं और इसे हम i a द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे देखिए कि जितने भी हमने इमेज लिए हुए मींस x के जितने भी यहाँ पे a के जितने भी एलिमेंट है यहाँ पे खुद के एलिमेंट खुद के इमेज हैं। मींस अगर हम यहाँ पे 1 लेंगे तो यहाँ की वैल्यू 1 होगी। तो अगर हम f of x1 is equal to f of x2 लेंगे तो वो वैल्यू x1 is equal to x2 के हो जाएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आइडेंटिटी फंक्शन 1-1 ऑन टू फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो अब हमने यहाँ पे बताया कि अगर f of x1 is equal to f of x2 लेते हैं तो वो x1 is equal to x2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अब जो इसका इमेज है वही यहाँ पे उसकी वैल्यू है। तो ये तो हो गया कि केस यहाँ पे 1-1 के लिए। ऑन टू कैसे होगा, अब यहाँ पे देखिए कि अगर x की कोई भी वैल्यू हम लेते हैं a के लिए, यहाँ पे सभी a के लिए मीन्स फॉर एवरी x, तो अगर कोई भी वैल्यू हम लेते हैं a का कोई भी एलिमेंट लेते हैं, अगर उसका इमेज यहाँ पे हम f ऑफ x लेते हैं तो वो x के इक्वल ही है, उस एलिमेंट के इक्वल ही है। तो यहाँ पे मीन्स जो इमेज है यहाँ पे जितने भी इमेज होंगे वो इसके a के एलिमेंट होंगे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मीन्स x के a के एलिमेंट के इमेज होंगे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन यहाँ पे होता है आइडेंटिटी फंक्शन i a 1-1 ऑन टू फंक्शन होता है, मीन्स एक एकी आच्छादक फलन होता है। नेक्स्ट है कांस्टेंट फंक्शन, ठीक। तो यहाँ पे कांस्टेंट फंक्शन, यदि कोई फंक्शन इस प्रकार से डिफाइंड है कि f such that a to b, और यदि x बिलोंग करता है सभी x के लिए जो कि a के एलिमेंट है, और अगर हम फंक्शन अप्लाई करते हैं तो वो इक्वल हो जाता है c के कांस्टेंट वैल्यू के जो कि c बिलोंग करता है b में। तो इस प्रकार के फंक्शन को कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन कहलाएगा यदि हम x की कोई भी वैल्यू ले लें उसका इमेज जो होगा वो केवल c होगा, मीन्स a की वैल्यू होगी वो, उस फंक्शन को हम कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। तो और यहाँ पे देखिए जो एफ एक्स है मतलब फंक्शन है, यहाँ पे 1-1 भी हो सकता है ऑन टू भी हो सकता है, मीन्स अगर यहाँ पे मान लीजिए c की वैल्यू 2 लेते हैं हम, ठीक, और एफ एक्स की वैल्यू भी यहाँ पे हम 2 लेते हैं, तो अगर यहाँ पे x की वैल्यू भी 2 लेते हैं तो अगर हम यहाँ पे कांस्टेंट है तो x की किसी भी वैल्यू के लिए यहाँ पे हमें 2 ही मिलेगा क्योंकि c कांस्टेंट है। तो मींस यहाँ पे तो ये तो हो गया, और हर एक एलिमेंट का, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो f है वो 1-1 भी हो सकता है, मेनी 1 भी हो सकता है, ऑन टू भी हो सकता है और इन टू भी हो सकता है। तो कैसे, यहाँ पे देखिए अगर हम डायग्राम द्वारा समझें तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि यदि हम एक यहाँ पे लेते हैं दो सेट, ठीक, ये a हो गया और ये b हो गया, इसके रिलेशन को हम f द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। यहाँ पे a1 a2 a3 a4 लेते हैं, ठीक, यहाँ पे b1 b2 b3 b4 लेते हैं, और हम कह दें कि यहाँ पे a का इमेज भी b2 है, a2 का इमेज भी b2 है, a3 का इमेज भी b2 है और a4 का इमेज भी b2 ही है। तो इस प्रकार से यहाँ पे देखिए कि ये जो फंक्शन है मीन्स यहाँ पे हर एक का इमेज मीन्स a के जितने भी एलिमेंट हैं उनका इमेज b2 है। तो इस प्रकार के फंक्शन को मेनी वन इनटू फंक्शन कहेंगे, मीन्स बहु एक अंतःक्षेपी फलन, क्योंकि यहाँ पे देखिए ना तो ये 1-1 है और ना ही ऑन टू है, और यहाँ पे ये मेनी वन इसलिए है क्योंकि कई एलिमेंट है मतलब a के सभी एलिमेंट केवल एक ही, मतलब अगर इस पे फंक्शन हम अप्लाई करते हैं तो इनका जो इमेज मिलता है केवल एक ही मिलता है। तो इस प्रकार से ये फंक्शन यहाँ पे मेनी वन हो गए, इन टू हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे देखिए b1 b3 और b3 का b4 किसी का इमेज ही नहीं है। तो इस प्रकार से इस फंक्शन को f को हम यहाँ पे मेनी वन इन टू फंक्शन कहते हैं। अगर एक फंक्शन हम इस प्रकार से डिफाइंड कर दें कि
ये, और इसमें केवल a1 है और इसमें b1 है, और इसका अगर इमेज हम निकालते हैं तो ये b1 मिल जाता है। तो इस प्रकार के फंक्शन को हम 1 1 ऑन 2 फंक्शन कहते हैं। 1 1 इसलिए क्योंकि a1 का केवल एक ही फंक्शन b1 मिल रहा है, यहाँ पे इमेज b1 मिल रहा है, और ऑन टू इसलिए हो जाएगा क्योंकि b1 जो कि इसमें मौजूद है ये a के किसी न किसी एलिमेंट का एक इमेज है। तो इस प्रकार से इस फंक्शन को हम 1 1 ऑन टू फंक्शन कहते हैं। तो इसी प्रकार से हम कई यहाँ पे जो कांस्टेंट फंक्शन होता है वो 1 1 भी होता है, ऑन टू भी होता है, इन टू भी होता है, और मेनी वन भी होता है। यदि हम एक एग्जाम्पल लें और कह दें कि उदाहरण यहाँ पे यदि एक फंक्शन लेते हैं इस प्रकार से कि r टेंस टू r के लिए, और फंक्शन डिफाइंड है इस प्रकार से कि f x इज इक्वल टू e के पावर x, ठीक, जहाँ पे x बिलोंगिंग टू r में। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि फंक्शन वन वन है कि इन टू है कि ऑन टू है या फिर मेनी वन है। तो अगर हम चेक करते हैं तो देखिए, हल सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि फंक्शन वन वन है कि मेनी वन है। तो उसके लिए कंडीशन होता है कि यदि हम x1 और x2 तो इस प्रकार से वैल्यू ले लेते हैं जो कि R में बिलोंग करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे यदि एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू लेते हैं, ठीक, तो डिफाइंड करते हैं ई के पावर एक्स वन इज इक्वल टू ई के पावर एक्स टू। अब यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ से लिख सकते हैं एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू उन सभी एक्स वन एक्स टू के लिए, फॉर एवरी एक्स वन एक्स टू जो कि बिलोंग करते हैं आर में। अगर आप x की कोई भी वैल्यू ले लो x1 और x2 की, अगर e के पावर x1 इक्वल e के पावर x2 के, तो यहाँ से x1 इज इक्वल टू हो जाएगा x2 के किसी भी वैल्यू के लिए। तो इसका मतलब यहाँ पे जो फंक्शन है, यहाँ पे e के पावर x जो फंक्शन हमने लिया हुआ है ये 1 1 फंक्शन है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए कि e के पावर x को, मीन्स जो फंक्शन हमने लिया हुआ है e के पावर x की, आप x की कोई भी वैल्यू ले लीजिए, ठीक, x की अगर आप कोई भी वैल्यू ले लेते हैं तो e के पावर x की वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव रियल नंबर होगा, मीन्स धन वास्तविक संख्या होगी इसकी वैल्यू। अगर x की वैल्यू आप माइनस वन भी लेते हो तो वन अपॉन ई अगर रखोगे तो ये पॉजिटिव आ गया। तो मीन्स यहाँ पे अगर हम r, यहाँ पे आपका r दिया हुआ है, तो r को अगर हम यहाँ पे जो इमेज अगर माइनस वन लेते हैं, मीन्स e के पावर x के लिए माइनस वन किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं है। मीन्स यहाँ पे अगर इमेज r में माइनस वन को हम कहें कि माइनस वन का प्री इमेज निकालिए, तो यहाँ पे तो e के पावर x में अगर हर एक वैल्यू पॉजिटिव ही होती है, मीन्स इसका धन वास्तविक संख्याओं, इसका जो डोमेन होता है धन वास्तविक संख्याएं होती हैं, तो मीन्स माइनस वन किसी का भी इमेज नहीं होगा। माइनस वन नहीं, अगर हम माइनस एक्स भी ले लेते हैं, मीन्स कोई भी वैल्यू जो कि अगर निगेटिव है तो वो किसी की भी इमेज नहीं है, इसके डोमेन के किसी का भी इमेज नहीं है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे कहेंगे कि ये फंक्शन इन टू होगा, क्योंकि अगर ऑन टू होता तो हर एक एलिमेंट जो हमने लिया हुआ आर का, हर एक एलिमेंट आर के किसी न किसी एलिमेंट का एक इमेज होता। बट यहाँ पे अगर हम निगेटिव वैल्यू लेते हैं, यहाँ पे रियल मीन्स यहाँ पे अगर निगेटिव रियल नंबर लेते हैं तो वो आर के किसी भी वैल्यू का इमेज नहीं है। तो इस केस में हम कहेंगे कि यहाँ पे जो e के पावर x है वो इन टू फंक्शन है। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू e के पावर x वन 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 इन टू फंक्शन होगा, इन टू फंक्शन होगा। तो इस प्रकार से हम चेक करते हैं कि फंक्शन वन वन है कि इन टू है कि मेनी वन है या फिर ऑन टू है। तो अगर वन वन इन टू रहा
दोनों अगर 1 1 इंटू है तो हम लिख देंगे कि 1 1 इंटू फंक्शन है, अगर 1 1 ऑन टू रहता तो हम लिख देते कि 1 1 ऑन टू फंक्शन है, अगर मेनी वन इंटू फंक्शन रहता तो हम लिख देते कि मेनी वन इंटू फंक्शन है, और अगर मेनी वन ऑन टू फंक्शन रहता दोनों सेटिस्फाई करता तो हम वहां से लिख देते कि फंक्शन मेनी वन ऑन टू फंक्शन है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के बारे में, मीन्स फलनों के संयोजन के बारे में। तो पढ़ते हैं हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो ये होता क्या है, मान लीजिए यदि दो फंक्शन है इस प्रकार से डिफाइंड है कि f such that a to b, और एक फंक्शन है g such that b to c, ठीक। तो अगर फंक्शन f a से b में फलन है और एक ऐसा फलन है जो सभी x के लिए जो कि a में बिलोंग करते हैं, इसका इमेज fx बिलोंग करता है b में, ठीक। तो इस प्रकार से ये फंक्शन डिफाइंड होगा, इसकी डिफिनेशन से हम कह सकते हैं कि x का हर एक एलिमेंट b के किसी न किसी एक ही एक एलिमेंट के यूनिक एलिमेंट के का प्री इमेज है। तो मींस यहां पे fx बिलोंग करता है b के सभी x के लिए जो कि a में बिलोंग करते हैं, यहां पे fx एक यूनिक एलिमेंट बिलोंग करता है जो कि b में मौजूद है। तो और यहां पे अगर g फंक्शन है b से c में, तो मींस b का हर एक एलिमेंट, ठीक है, b का हर एक एलिमेंट c के किसी न किसी एक एलिमेंट से संबद्ध रखता है। तो इस प्रकार हम इसको डिफाइन कर सकते हैं b y, मान लीजिए यहां पे fx बिलोंग करता है b में, तो y इज इक्वल टू यदि हम fx मान ले यहां पे, या फिर डायरेक्ट हम लिख दें कि g fx b का हर एक एलिमेंट, मींस fx भी तो b में बिलोंग कर रहा है, और इस प्रकार से होता है कि b fx बिलोंग g fx बिलोंगिंग टू c, मींस यहाँ पे b का हर एक एलिमेंट c के किसी न किसी एक एलिमेंट से यूनिक एलिमेंट से यहाँ पे c से संबद्ध रखता है। तो इस प्रकार के फंक्शन को हम यहाँ पे कंपोजिशन फंक्शन यहाँ पे डिफाइंड हो जाएगा f g o f is x belonging to c। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सेट a का मतलब एक कंपोजिशन फंक्शन डिफाइंड इस प्रकार से होगा कि सेट ए का हर एक एलिमेंट सी के सेट सी के किसी न किसी एक एलिमेंट से संबद्ध रखते हो, वहां पे रिलेशन रखते हो, तो इस प्रकार के फंक्शन को हम कंपोजिशन फंक्शन कहते हैं। मीन्स यदि डायग्राम द्वारा हम समझे तो यहां पे देखिए तीन हमने सेट लिए नॉन एम्प्टी सेट ए बी सी, तो ये a b c है। अगर फंक्शन a से b में इस प्रकार से रिलेटेड f द्वारा है और b से c में g द्वारा रिलेटेड है, तो a से c में रिलेटेड फंक्शन को ही हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कहते हैं, और इसे हम g o f द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा हो गया कंपोजिशन फंक्शन। इस प्रकार से हम कंपोजिशन फंक्शन को अटकर डिफाइंड करते हैं, तो कह सकते हैं कि g o f such that ये एक फंक्शन हुआ a to c उन सभी x के लिए जो कि a में बिलोंग करते हैं, यदि हम इस पे अप्लाई करें तो कह सकते हैं g o f x बिलोंग करेगा c में। मीन्स अगर x के लिए इस फंक्शन को अप्लाई करते हैं तो बिलोंग करेगा c में। अगर हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं g f of x, ठीक। अब यहां से हम इस कंडीशन से कह सकते हैं यहां पे कि जो f का रेंज होगा, मीन्स f फंक्शन तो a से b में है, जो रिक्त जो यहां पे नॉन एम्प्टी सेट हमने a b c लिए हुए थे, वहां पे जो फंक्शन था वो a टू b डिफाइंड था। तो यहां पे जो fx है वहां पे सभी x के लिए ऐसा था कि b में था, तो मींस जो bf का रेंज हुआ, रेंज ऑफ f यहां पे सबसेट हो जाएगा
सबसेट हो जाएगा डोमेन ऑफ जी का। मीन्स यदि एफ का इमेज यहां पे बी हमने लिया हुआ है तो जो डोमेन होगा जी का वो इसका सबसेट हो जाएगा, क्योंकि जो हमने यहां पे डोमेन लिया हुआ है जी का वो बी के सारे एलिमेंट हैं। ठीक, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अगर कंपोजिट फंक्शन लेते हैं जी ओ एफ तो कंडीशन होता है कि रेंज ऑफ जी सबसेट होता है डोमेन ऑफ जी के। यहां पे इस बात का ध्यान रखिएगा कि यहां पे ये जो फंक्शन जी ओ एफ होता है ये कॉमुटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता है। मींस आप इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते जी ओ एफ नॉट इक्वल टू एफ ओ जी एक्स, या फिर कहने का मतलब कि जी ओ एफ नॉट इक्वल टू एफ ओ जी के होता है। बट यहां पे ये एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है। मीन्स इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एफ ओ जी ऑफ एच है तो ये इक्वल होता है एफ ओ जी ओ एच के, हम इसके इक्वल इसको लिख सकते हैं। ठीक, तो यहां पे ये देखिए कम्यूटेटिव लॉ नहीं फॉलो करता है बट एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन मीन दो फलनों का संयोजन। नेक्स्ट यदि हम एक थ्योरम ले, कह दें कि थ्योरम यदि एक फंक्शन इस प्रकार से डिफाइंड है कि एफ सच दैट ए टू बी, ठीक, और जी सच दैट बी टू सी, और दोनों वन वन ऑन टू फंक्शन है, मीन्स एक एक ही आच्छादक फलन है, तो इनका कंपोजिशन एफ ओ जी भी एक एक ही आच्छादक फलन होगा कि सच दैट ए टू सी रिप्रेजेंट करेगा, ये भी वन वन ऑन टू फंक्शन होगा। ठीक, तो प्रूफ करना है कि यदि एफ और जी दोनों वन वन ऑन टू फंक्शन है तो कंपोजिशन इन दोनों फंक्शनों का कंपोजिशन भी वन वन ऑन टू फंक्शन होगा। तो अगर हम इसको प्रूफ करते हैं तो इस प्रकार से उत्पत्ति हो जाएगी। यहां पे देखिए तीन सेट है नॉन एम्प्टी सेट ए बी सी, तो अगर मान ले कि एक्स वन एक्स टू बिलोंगिंग टू ए, माना अपनी स्वेच्छा से कोई भी बिंदु x1 x2 मान लीजिए यहाँ पे। ठीक, तो अब अगर हम GOF को हमें प्रूफ करना है वन वन फंक्शन, ठीक, मीन्स वन वन ऑन टू होगा, पहले हम इसको वन वन प्रूफ करेंगे फिर ऑन टू प्रूफ करेंगे। तो अगर मान लें कि ये वन वन फंक्शन है तो अगर इसको हम प्रूफ करते हैं वन वन फंक्शन तो GOF x1 इज इक्वल टू GOF x2 लेंगे। ठीक, फॉर एवरी x1 x2 जो कि बिलोंग करते हैं a में, एक एलिमेंट है, तो यहां पे देखिए इसकी डिफिनेशन से हम इसे लिख सकते हैं g ऑफ g f x1 इज इक्वल टू g f x2। ठीक, तो अब यहां पे देखिए g हमने कहा है कि f और g वन वन ऑन टू फंक्शन है, तो g अगर वन वन फंक्शन है तो यहां से हम लिख सकते हैं एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू। ठीक, यहां पे चूंकि जी वन वन फंक्शन है, जी वन वन फंक्शन है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू। अब यहां पे देखिए एफ भी वन वन ऑन टू फंक्शन है तो यहां से हम लिख सकते हैं एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू। मीन्स चूंकि एफ वन वन फंक्शन, मीन्स एफ जो है एक एक ही फलन है। अब तो यहां से देखिए जी ओ एफ एक्स वन इज इक्वल टू जी ओ एफ एक्स टू, अगर हमने फंक्शन को लिया हुआ है तो एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू हो गया, तो इसीलिए हम कह सकते हैं यहां पे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इज वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन, फंक्शन तो वन वन हो गया, यहां पे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन वन वन हो गया।
अब हम नेक्स्ट प्रूफ करते हैं कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन मींस जी ओ एफ यहां पे ऑन टू फंक्शन है, अगर एफ और जी वन वन ऑन टू है तो। अब हम नेक्स्ट प्रूफ करते हैं कि दोनों फंक्शनों का कंपोजिशन ऑन टू फंक्शन है, यदि एफ और जी दोनों ऑन टू है तो। तो यहां पे यदि मान ले हम कि माना सभी सी के लिए, पहले यहां पे जी ऑन टू फंक्शन है, मींस यदि मान ले कि कोई एलिमेंट जे अपनी स्वेच्छा से कोई मानव एलिमेंट जो कि बिलोंग करता है सी में, तो जी अगर यहां पे ऑन टू फंक्शन है मींस सभी सी के सभी एलिमेंट के लिए, बी में मींस यहां पे सी का सभी एलिमेंट बी के किसी न किसी एलिमेंट का इमेज होगा, तो यहां पे हम कह सकते हैं कि अगर जेड अपनी स्वेच्छा से माना हुआ कोई एलिमेंट है और वो सी में मौजूद है, तो इस प्रकार से डिफाइंड होगा कि यहां पे जी ऑफ वाई इज इक्वल टू जेड, जहां पे वाई बिलोंगिंग टू बी। ठीक, मींस अगर यहां पे चूंकि जी जो है यहां पे आच्छादक है, आच्छादक फलन है, तो आच्छादक फलन के डिफिनेशन से हम कह सकते हैं कि सी के जितने भी एलिमेंट होंगे बी के किसी न किसी एलिमेंट के वो इमेज होंगे। तो अगर हम अपनी स्वेच्छा से एक जेड बिंदु मान लेते हैं, यहां पे जेड मान लेते हैं जो कि बिलोंग करता है सी में, तो वो बी के किसी न किसी एलिमेंट का इमेज होगा। तो मान ले कि वो एलिमेंट वाई है। ठीक, अब यहां पे देखिए कि जो जी ऑफ वाई है वो बिलोंग करता है बी में और एफ ए से बी में रिलेशन रिप्रेजेंट करता है और एफ वन ऑन टू है, मींस बी का हर एक एलिमेंट ए के किसी न किसी एलिमेंट का इमेज है। तो हम यहां पे कह सकते हैं, तथा यहां पे यदि हम मान लें कि एक्स बिलोंग करता है ए में, ठीक, तो उन सभी जी वाई के लिए फंक्शन इस प्रकार से डिफाइंड हो जाएगा कि एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, वाई बिलोंग करता है बी का, मतलब मान ले कि अगर बी का एक एलिमेंट है और ए से बी में यहां पे एफ द्वारा रिलेस यहां पे फंक्शन डिफाइंड किया गया है, तो यहां पे ये एफ ऑन टू है, तो मींस बी का हर एक एलिमेंट ए के किसी न किसी एलिमेंट का इमेज है, यहां पे फंक्शन ऑन टू है। इसलिए तो इसीलिए हम यहां से लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, यहां पे एक्स बिलोंग करता है ए में, तो इन सभी यहां पे वाई के लिए, तो यहां से हम लिख सकते हैं चूंकि ये हमने एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई इसलिए लिखा हुआ है चूंकि एफ आच्छादक फंक्शन है, आच्छादक फलन है। ठीक, तो अब यहां से हम फंक्शन को लेते हैं, कंपोजिशन फंक्शन को। तो अब यहां पे देखिए कंपोजिशन फंक्शन था जी ओ एफ, तो अगर हम यहां से फंक्शन एक्स लेते हैं ए टू सी हमें डिफाइन करना था, तो मींस यहां पे हम फंक्शन को सबसे पहले यहां पे एफ एक्स लेते हैं। ठीक, तो यहां पे मींस ए के किसी एलिमेंट से हम चेक करेंगे, तो यहां से हम कह सकते हैं कि डिफिनेशन से जी एफ एक्स, ठीक, और एफ एक्स देखिए इज इक्वल टू है यहां पे वाई के, तो हम इसे लिख सकते हैं जी वाई। ठीक, और जी वाई की वैल्यू है इक्वल यहां पे जेड के। ठीक, तो यहां से जी ओ एफ इज इक्वल टू हो गया एक्स के, मींस यहां से हम कह सकते हैं कि जी का मींस सी का हर एक एलिमेंट एक एक किसी न किसी एलिमेंट का इमेज है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जी ओ एफ जो कंपोजिशन फंक्शन है वो यहां पे ऑन टू फंक्शन है। तो यहां से हम कह सकते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन जी ओ एफ इज ऑन टू
फंक्शन। तो इस प्रकार से कंपोजिशन ऑफ फंक्शन 1-1 ऑन टू फंक्शन होगा, थ्योरम प्रूव्ड।